सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी एंड MB ट्रेडिंग कंपनी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास पांच किस्म के हेलमेट्स हैं, जिनमें से दो मेरे यूज में हैं और तीन जो है मैं नए लेकर आया हूं। उस दिन मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दिखाई थी, वो तीन हेलमेट्स हैं। आज हम इनको अनबैग करेंगे और आपको दिखाएंगे उनकी जो क्वालिटीज हैं, और हम आज बात करेंगे कि हेलमेट जोन सा भी हो और बेहतर हो, कैसा हेलमेट हमें लेना चाहिए और किस कंपनी का हेलमेट हमें लेना चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे और आपको बताता चलूं कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये स्टड का हेलमेट है और इसको हम अनबैग कर लेते हैं जल्दी से। ये आपको दिखा दूं, ये इसका बैग है और इसको हम जो है जल्दी से अनबैग कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी इस चीज़ का भी क्लियर करूंगा आपको कि अगर आप जो है स्टड का हेलमेट ले रहे हैं तो इसकी ओरिजिनल की क्या गारंटी है। कि जब आप स्टड का हेलमेट ले रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि स्टड की कॉपीज भी आ रही होती हैं। अभी जो स्टड्स के ओरिजिनल स्पेलिंग है वो STUDDS आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो कॉपी आ रही होती है वो आपके पास STUDS होता है या फिर STUD लिखा होता है सिर्फ, ठीक है, या S को रिमूव किया होगा या फिर एक D को रिमूव किया होगा, ये कॉपीज आ रही होते हैं। और जो STUDDS होता है वो ओरिजिनल होता है, और उसके अलावा इसकी ओरिजिनल की ये पहचान है कि इसमें कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर ये स्टिकर एक मिल जाता है। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पर आपको ये स्टिकर मिल जाता है स्टड की तरफ से। और ये आपको DOT के बारे में बता दूं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि साथ साथ डिफाइन करते जाते हैं, साथ साथ आपको हेलमेट भी दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये हेलमेट मैं पहन कर दिखा देता हूँ। देखें, कुछ लोग जो होते हैं वो हेलमेट पसंद करते हैं लेकिन पूरे हेलमेट में जो है उनका सांस बंद हो रहा होता है, तो उसके लिए कंपनी आपको ये ऑप्शन भी देती है कि आप अपने हेलमेट को ऐसे ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने हेलमेट को जो आप क्लोज कर लीजिए और यहाँ से अपनी साइज वगैरह को सेट कर लीजिए जो साइज आपके हेड पर ठीक से बैठ रहा है। और सबसे पते की बात आपको बताऊं, हेलमेट आप जो सी कंपनी का भी लें लेकिन अच्छी कंपनी का लें, वो वाला हेलमेट लें जिसके पीछे DOT की स्टैंप हो या फिर ECE की स्टैंप हो, वो वाला हेलमेट लें। अब DOT क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो DOT है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, जो कि अमेरिका वाले इसको जो है DOT प्रूव कर रहे होते हैं, और DOT स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि अमेरिका वाले इसको जो है इस हेलमेट को जो है वो सर्टिफाइड कर रहे होते हैं, चेक करके सारे टेस्ट वगैरह करके इसको जो है फिर जो है मार्केट में सेल के लिए दिया जाता है। और ये जो स्टड कंपनी है ये DOT प्रूफ है। यहाँ पर आपको जो बताता चलूं कि एक ECE कंपनी भी आती है जो कि यूरोप की है, और ECE का मतलब है ECE कमीशन फॉर यूरोप। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दो कंपनियां हैं इस टाइम जो काम कर रही हैं, जो कि हेलमेट को चेक करती हैं। और हेलमेट को चेक कैसे किया जाता है, इसके ऊपर वजन डाला जाता है, इसको जोर से फेंका जाता है, इसके ऊपर जो है वो आपके हथौड़े से इसको मार के चेक किया जाता है कि कुछ केसेस में तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी आए हैं कि उसमें बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, उसके ऊपर से बड़ी भरकम गाड़ी गुजर गई है लेकिन उसका हेलमेट टूटा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे आया है लेकिन बंदे की जान बच गई है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हेलमेट आप जब भी ले रहे हो इस चीज का खासा ख्याल रखें कि आप बेशक स्टड का लें, SMK का लें, या फिर आप स्टील बर्ड का लें, या फिर आप जो सा भी कोई भी आप हेलमेट परचेज कर रहे हैं तो उसकी फिक्सिंग आपके हेड पर होनी चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ से बंद कर लेते हैं, ये देखें, हेलमेट अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हम इसका रिव्यू भी कर रहे हैं और आपको दिखा भी नहीं, ये देखें हेलमेट यहाँ से आपको कैसा नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको DOT और ECE यहाँ पर समझ आ गई होगी, और ये आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपने जो सा भी हेलमेट परचेज करना है वो आपके हेड के मुताबिक आपके सर पर फिक्स रहना जरूरी है। उसके अलावा मैं आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैंने इसीलिए एक सस्ता वाला हेलमेट भी रखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये यूज कर रहा था, इसका जो इंटीरियर आप देख सकते हैं कि कैसा है, बिल्कुल नाकारा और बेकार किस्म का, और इसका फोम जो है महीने के अंदर अंदर बैठ गया था। और ये आप कंपनी देख सकते हैं, बहुत से लोग ये हेलमेट यूज करते हैं लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ठीक है। और इसका अंदर से मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ कि ये कैसे, ये सारा अंदर से मूव कर रहा है, ये देखें, ये मेरे हाथ में आ गया ये, ठीक है। तो ऐसे हेलमेट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके अंदर की ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कोई भी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपने वैसे ही पुलिस वालों को दिखाने के लिए पहनना है
तो फिर आप ये पहन सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी गारंटी नहीं है कि आपके ये सेफ है या नहीं है। फिलहाल इसको साइड से फेंक देते हैं हम, जो चीज़ अच्छी है उसकी हम कदर करते हैं, ठीक है। जो चीज़ कंपनी अच्छी बना रही है उसको हम बताएंगे। और यहाँ पर आपको ये बटन दिया जाता है, इसको आप इसको इजिली ये ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर जिनको सांस की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बेहतर रहता है, और ये इसको आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो ये कि इससे पहले मैंने एक रिव्यू किया था, उसमें ऑप्शन तो आपके पास ये है थी, लेकिन उसमें यहाँ से आपके गॉगल बाइक आ जाते थे ब्लैक कलर के, इसमें ये चीज़ नहीं दी गई, ठीक है। उसके अलावा आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये इसका एयर फंक्शन है कि गर्मियों में जब हम पहन रहे होते हैं, ये जो फंक्शन इसके दिए हुए, यहाँ से एयर जब अंदर जा रही होती है, गर्म हवा जो होती है वो अंदर जा रही होती है, तो एयर जो है वो सर्कुलेट करके इन बैक साइड से बाहर निकल रही होती है, ठीक है। यहाँ से जो सर्कुलेट करके एयर जो है आपकी बाहर निकल रही होती है, और उस सूरत में जो है आपको पसीना नहीं आता। और ये हेलमेट इसीलिए तैयार किया जाता है कि इनको आप सर्दियों में भी पहन सके और गर्मी में भी पहन सके। और कुछ हेलमेट्स के ऊपर ऑप्शंस दी होती हैं, आगे हमारे पास और हेलमेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर ऑप्शन दी होती है कि आप एयर गुजारना चाहते हैं, ज्यादा एयर गुजारना चाहते हैं या कम एयर गुजारना चाहते हैं, वो आपके ऊपर जो है वो आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन इसका जो एयर गुजरने का जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ये जाली लगी हुई है, और ये यहाँ से इसकी एयर जो है इन होती है, और फिर बैक साइड से यहाँ से इसकी आउट निकल जाती है, जो एयर आउट निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसकी प्राइस और इसका मॉडल बताता हूँ। इसका मॉडल आपने याद रखना है, अगर आपने ऑर्डर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिए हुए हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी वालों के, वहां से आप इनको जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस आपको मिलेगी, क्योंकि न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी वाले जो है इसके ऑथराइज डीलर है, स्टड की जो है उनके पास डीलरशिप है, आप इसको इजिली ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी की बेस पर आप इस मॉडल को वहां से मंगवा सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो 2800 रुपये है, 2800 रुपये इसकी प्राइस है। उसके अलावा ये जो मॉडल है ये निंजा इलाइट बाय स्टड्स है, ठीक है, निंजा इलाइट इसका मॉडल है, ये आपने बताना है ऑर्डर करते हुए। और अंदर से थोड़ा सा फिर एक बार आप इंटीरियर देख लें इसका, मैं आपको जो है क्लियर एक बार इसका इंटीरियर अंदर से दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस हेलमेट का जो है इंटीरियर आपको दिखाया जा रहा है कि अंदर से ये हेलमेट जो है कैसा होता है और इसकी थिकनेस कैसी है, मैं आपको ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसका फोम आप देख सकते हैं कि इसका कितने लेवल पे फोम लगाया गया है, और यहाँ पर आप देख लिया करें कि कंपनी की तरफ से ये आपको एक स्टिकर लगा मिलता है जिसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही होती है। और ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब भी आप हेलमेट ले रहे होंगे STUDDS, ये ओरिजिनल हेलमेट के जो होते हैं, ओरिजिनल स्टड्स के जो हेलमेट आ रहे होते हैं उनके ऊपर ये स्पेलिंग्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनियाँ जो होती हैं वो STUDS ये स्पेलिंग यूज़ कर रही होती हैं, या फिर जो है वो STUD स्टड सिर्फ यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन ओरिजिनल के स्पेलिंग ये हैं। और उसके अलावा ये इनका स्टिकर आ रहा होता है जो कि ये कंपनी की तरफ से आ रहा होता है, और यहाँ पर DOT लिखा होता है या फिर ECE लिखा होगा, वही हेलमेट जो होता है वो सर्टिफाइड होता है, वही हेलमेट आपने परचेज करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो हेलमेट मैंने जो है वो फेंका है उसके ऊपर ना ECE लिखा हुआ है ना DOT लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो भी स्टड का हेलमेट है, उसके बाद जो हम अनबॉक्स करेंगे यानी कि अनबैग करेंगे अपने SMK के हेलमेट को, और इसको सबसे पहले, और ये हेलमेट जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे कलर्स में है, ब्लैक एंड रेड कलर में है, तो जल्दी से इसको जो है हम अनबैग कर लेते हैं। पहले वाला तो एक अच्छा था, फंक्शन उसमें अच्छे थे, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी, मतलब है तो ये भी स्टड का ही है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया है, ये आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन देखिए आप, और इसके जो फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप पहन के चेक करवा देते हैं। ये मैंने अब आपको जो है पहन के चेक करवा दिया है, और अभी जो है इसके आप पंखे वगैरह देख सकते हैं। और आपको ये बताता चलूं कि एक तो ये इसमें दिया गया है ये चीज, ठीक है, ताकि आपको जो है अगर आप ये अपना ग्लास उठाते भी हैं ऊपर की तरफ, वाइजर जिसको कहते हैं, अगर आप इसको ऊपर उठा भी सकते हैं तो ये आपको जो है हवा जो है डायरेक्ट आपके नाक पर या फिर आपके मुंह में नहीं जाएगी, ये हवा को जो है क्रॉस करवा रहा होगा इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो फंक्शन है
और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये एयर एयर के फंक्शन है, इसको आप जो है इस तरह करेंगे तो ये ऑफ हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एयर का प्रेशर जो है ज़्यादा आए इसमें, तो इसको आप पीछे की साइड पे करेंगे तो इसमें एयर का प्रेशर तेज हो जाएगा, यहाँ से भी इसकी एयर जा रही होती है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ से भी एयर का जो है ऑप्शन दिया हुआ है। और आपको ये भी चीज बताता चलूं कि अगर धूप है तो गर्मी का पूरा पूरा फंक्शन है इसमें। ये देखें, ब्लैक ग्लासेस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये अपना ग्लास ऊपर कर लें और ब्लैक ग्लासेस पहन कर आप इसको जो है इजीली चला सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज बनाएगी है, मुझे जो इसका हेलमेट की जो चीज पसंद आई है वो इसका डिजाइन बहुत अच्छा बनाया गया है। और ये हेलमेट भी जो है ये DOT यानी कि डॉट सर्टिफाइड है अमेरिका से। डॉट क्या है इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो की शुरू में आपको बता दिया है। फिलहाल इसको ओपन कर लेते हैं और अंदर से इसको इसका जो इंटीरियर है वो आपको चेक करवा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका अंदर से इंटीरियर वगैरह कैसा है। उसके अलावा मैं आपको मजीद जो है ठीक तरह से अपने दूसरे जो है कैमरे से आपको चेक करवाऊंगा। और ये देखें, ये भी डॉट सर्टिफाइड है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस हेलमेट की प्राइस के बारे में। आपको बताते चलो, इसकी जो प्राइस है ये 5,000 रुपीज का है, 5,000 रुपए का ये हेलमेट है। और अगर आप इसको भी ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी की बेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टड का हेलमेट है और ये हेलमेट मुझे बहुत प्यारा लगा स्टड का। और इसका जो मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो मॉडल है ये शिफ्टर है, SHIFTER शिफ्टर स्टड्स, ये आपने बोलना है। उसके अलावा इसका जो कोड नंबर है FMVSS218, इसका ये कोड नंबर आप ये अगर आपको शिफ्टर के नाम से अगर नहीं भी याद रहता, ये देख लें शिफ्टर स्टड्स के नाम से इसका जो ये मॉडल जो है कंपनी ने बनाया है। लेकिन आप इसको ये इसका कोड भी कर सकते हैं, 218 इसका कोड है। ये भी आप बोलकर जो है न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि ऑथराइज डीलर है स्टड के। और आपको ये पहन कर मैं ये चीज भी चेक करवा दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इस तरह से कुछ नजर आ रहा होता है सर, मैं आपको सिर्फ डिजाइन दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और ये देखें ऊपर से भी, उसके अलावा ये हेलमेट पहनने के बाद हमें पीछे से कैसा नजर आ रहा होता है, ये भी पीछे से हमें ये हेलमेट कैसा नजर आ रहा होता है। और अगर आप ये उठाते हैं और ग्लासेस नीचे करते हैं तो आपको इसका डिजाइन कैसा नजर आ रहा होता है ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर जो है इस हेलमेट का इंटीरियर दिखा देते हैं कि ये इंटीरियर अंदर से कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये है मॉडल शिफ्टर स्टड्स जो कि मैंने बताया था, उसका इंटीरियर सिस्टम आप देख सकते हैं कि अंदर जो है सॉफ्ट वेलवेट यूज की गई है इसमें। और यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ इसका स्टफ मिल जाता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि अंदर आपको सारा कुछ इसमें दिखाया जाए कि इसको किस तरह से हमें हमारे लिए सेफ बनाया जाता है। और ये इसका कुछ इंटीरियर है, ये आप देख सकते हैं हेलमेट के ऊपर वही मैन्युफैक्चरिंग स्टिकर वगैरह लगा होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप स्टड का हेलमेट परचेज कर रहे हैं तो STUDDS और ये स्टिकर, उसके अलावा DOT की स्टैंप इसमें लगी होनी चाहिए, DOT सर्टिफाइड होना चाहिए ज़रूरी। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको यहाँ पर इसकी कॉपीज़ वगैरह भी मिल सकती हैं, दो नंबर हेलमेट भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपने खुदारा इस चीज़ से जो है, ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको बार बार इसलिए दिखाई जा रही है कि पैसे अगर आप अच्छे खर्च हैं तो चीज़ भी अच्छी परचेज कीजिए, अच्छी चीज़ परचेज कीजिए। ये दो किस्म के आते हैं, एक DOT में आता है और एक ECE में आता है। आप सिर्फ ये चीज़ याद रख लीजिए कि DOT और ECE। तो फ्रेंड्स, इसका एयर सिस्टम का मैंने आपको एक बार दोबारा बता दूं कि इसका इनर ये है, एयर इनर, यहाँ से आपकी एयर जो है अंदर जा रही होती है। अगर आपको ज़्यादा ही गर्मी लग रही है तो इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ऑप्शंस दी हुई हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से ये भी क्लोज है, अगर आप इसको पीछे कर लेते हैं एक ऑप्शन को या दोनों ऑप्शन को पीछे कर लेते हैं तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी और जो इसकी एयर बाहर निकल रही होगी वो यहाँ से इसकी एयर बाहर निकल रही होगी। तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका जो इनर है वो आगे से, अगर सर्दियाँ हैं तो आप सांस के लिए आपका ये वाला एक इनर खुला रहे तो बेहतर है। अगर आपको सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर्दियों में भी तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये गर्मी में आपको ये फायदा होता है कि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको हेलमेट में कम से कम पसीना नहीं आने वाला, जो एयर अंदर आती है वो हॉट होकर यहाँ से निकल जाती है, यानी कि ठंडी हवा जो आती है आगे से या ऊपर से ठंडी हवा आ रही होती है और वो जो आपकी जो अंदर की सारी गर्मी होती है, पसीना होता है, उसे मॉइस्चर बनाकर यहाँ से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, थर्ड एंड लास्ट हेलमेट हमारे पास आ जाता है SMK की तरफ से और ये आपको दिखा सकते हैं। इसको हम जल्दी से जो है अनपैक कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको इसकी भी फंक्शंस और क्वालिटीज के बारे में पता लग जाएगा। और ये हेलमेट जो है वो
बाकी उन स्टड्स हेलमेट से काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। मटेरियल वो भी बुरा नहीं था, मटेरियल ये भी बुरा नहीं है। सबसे पहले आप देखिए इसका डिज़ाइन, तो फ्रेंड्स इसका भी एक बहुत उम्दा कलर है जो कि इसमें ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू कलर इसमें यूज किया जा रहा है। और इसकी क्वालिटी कैसी है ये आपको वीडियो में भी नजर आ ही रहा होगा। मुझे तो जो है एक ब्लैक एंड रेड वाला बहुत अच्छा लगा है हेलमेट, उसके अलावा मुझे एक ये हेलमेट बहुत पसंद आया है और इसको मैं अभी आपको पहनकर भी चेक करवाता हूँ। और इसमें साथ आपको जो है कंपनी SMK वाले जो है अपना कीचेन भी दे रहे हैं, ये इसमें देखें, इसमें आपको कीचेन भी मिलेगा, ये पैकेट आपका जो साथ लगा होगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस इसकी बुक है और अच्छा, ये हेलमेट पहनने के बाद वही चीज़ जो उस हेलमेट में थी और उसकी प्राइस जो थी वो 5,000 रुपये थी और इसकी जो प्राइस है ये 8,000 रुपये का है, SMK का है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हेलमेट पहनने के बाद आप ये मत सोचिए कि ये हेलमेट आपको ज़रा भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये हेलमेट बहुत टाइट है और बहुत मजबूती से इसने जो है मेरे चेहरे को यहाँ तक से जो है इसने बहुत अच्छा जो है वो जिसे कहते हैं ना उर्दू में जकड़ा हुआ है, बहुत टाइट हेलमेट है और बहुत अच्छा जो है इसका इंटीरियर सिस्टम है। उसके अलावा इसमें आपको ये ऑप्शन भी मिल जाती है ग्लासेस की, और ग्लासेस को खुद ऊपर से नहीं खींचना पड़ता, इसमें साइड पर आपको ये बटन इसमें आपको साइड पर दिया हुआ है, इसको आप आगे करेंगे तो ये इसके जो गॉगल्स हैं वो ऊपर चल जाएंगे, पीछे की साइड पर करेंगे तो इसके गॉगल्स आगे आ जाएंगे। और ये एक बेटर ऑप्शन है इसमें कि खुद पकड़ के खींचते रहो वो जरा। अभी ये जब आप हेलमेट पहन लेते हैं तो पता नहीं अब मेरी आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ये मुझे नहीं पता, अगर ठीक आ रही है तो ठीक है, वरना फिर जो है वो इसको माइक में बोल दिया जाएगा। अभी ये फ्रंट की लुक आ रही होती है आपके पास और ये इसकी जो है साइड की लुक है, यानी कि ये हमारी लेफ्ट साइड की लुक आ रही है आपके पास, ये किस तरह से नज़र आ रहा होता है। और ये जो लुक जब पहनने के बाद आपके पास जो है हमारी राइट साइड की लुक आ रही होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऊपर से कैसा नज़र आता है ये भी हम देख सकते हैं। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ पा रही है कि सही नहीं आ पा रही, और जब आप इसको ये उठाते हैं तो ये आपकी लुक कुछ ऐसी नज़र आ रही होती है। और इसको बंद करके मैं आपको अब इसकी बैक साइड दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इस हेलमेट के बारे में, तो फिलहाल इसको उतार लेते हैं। ओह, सबसे ज्यादा टाइट और सबसे ज्यादा जो है फोम इंटीरियर इसमें मुझे जो है वो यूज किया गया है। इसकी भी अंदर की वीडियो में आपको बनाकर चेक करवाऊंगा। अभी ये इसका कुछ अंदर से इंटीरियर है, आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर से कैसा नजर आता है। और ये हेलमेट जो है आपको बताता चलूं, ये ECE सर्टिफाइड होता है और इसके बकायदा जो हेलमेट पर तो खैर नहीं लिखा हुआ कि ये DOT है या ECE है, लेकिन इसकी वेबसाइट से मैंने चेक किया तो ये आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। ये एक ट्विस्टर मॉडल है और इसका इंटीरियर अंदर से कैसा है ये आप देख सकते हैं। इसमें भी तकरीबन जो है आपकी फ्रंट से जो एयर जा रही होती है वो यहाँ पर आपको ये देखें ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि हवा ज़्यादा जाए अंदर तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लें, नहीं तो आप इसको ऑफ कर लीजिए। ये देखें पहली ऑप्शन आपको इसमें ये मिल जाती है फ्रंट पर, उसके अलावा ऊपर भी आपको तकरीबन ऐसी ही ऑप्शन देखने में मिलती है। ये देखें अगर आप इसको आगे करेंगे तो इसका जो एयर का सिस्टम है वो क्लोज हो जाएगा, अगर आप इसको पीछे करेंगे तो ये अंदर से इसकी जो विंडो ओपन हो जाती है, ये देखिए। उसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो हवा निकलने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये किस लिए दिया होता है, बाकी हेलमेट्स में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है और ये चीज़ आपको बताता चलूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ की बड़ी मुझे हैरानगी हुई है, जिसके बारे में मैंने फिर इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक भी किया कि क्या ये हेलमेट DOT है या ECE है, सर्टिफाइड है भी है या नहीं। तो इनकी वेबसाइट पर www.smkhelmets.com पर मैं गया, वहां पर मैंने सर्च किया इसका मॉडल, जो कि इसका मॉडल है ट्विस्टर मॉडल है, वहां पर मैंने इसको चेक किया तो वहां पर लिखा आया कि ECE सर्टिफाइड है ये। फिर जाकर मुझे तसल्ली हुई कि भाई इतना महंगा हेलमेट होने के बावजूद इस पर
तक किसी किस्म के सर्टिफाइड की लिखा नहीं हुआ, लेकिन कंपनी इसमें लिख नहीं रही होती, लेकिन इसकी जो है वेबसाइट पर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है मैंने जाकर पढ़ी, तो वहां पर आपको जो है इस हेलमेट का पता लग जाएगा कि ये ईसीई सर्टिफाइड है। और ये दोनों जो है डीओटी और ईसीई क्या चीज होती है इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो की शुरू में बताया है, वहां पर आप ये चीज चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी हेलमेट्स की वीडियो, जो सबसे अच्छा और बेहतर मुझे इसमें दो हेलमेट लगे हैं, एक SMK का और एक स्टड का जो मैंने आपको शिफ्टर दिखाया था। ये दोनों हेलमेट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं और आपको इसमें से कौन सा हेलमेट पसंद आया नीचे मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय नीचे जरूर दीजिए कमेंट्स की सूरत में। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी वालों के आपको नंबर दिए जा रहे हैं, वहां पर आप कैश ऑन डिलीवरी के बेस पर, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है इसको कैश ऑन डिलीवरी के बेस पर दिया जा रहा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद आपसे इजाजत चाहेगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।